बड़ी खबर आपको बताते हैं और शुरू करते हैं एक बड़ी अहम खबर से। गंगापुर सिटी के टोडा भीम में मूक बाधे नाबालिग हत्याकांड के हत्यारे अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि किरौली के हिंडौन सिटी में बेटी के साथ घटना से मन दुखी है, मैं दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, हम निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, हमने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है, साथ ही घटना की तेजी से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बीती 9 मई को दो अज्ञात बदमाशों ने एक मूक बधिर 11 साल की नाबालिग आदिवासी बच्ची को जिंदा जला दिया था। आपको बताते चलें कि बालिका अपने परिजनों के साथ किराए के मकान में रहती थी, जिसे करीब दो अज्ञात बदमाश व्यक्तियों ने आग लगाकर जिंदा जला दिया और जली हुई अवस्था में घर से दूर छोड़कर वो चले गए। झुलसी हुई बच्ची की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है और घटना को लेकर बालिका के पिता ने हिंडौन सिटी के नई मंडी पुलिस थाने में 11 मई को ही FIR दर्ज करवा दिया था। लेकिन मामला दर्ज होने के 11 दिन बाद भी, बड़ी बात यह है, 11 दिन बीत जाने के बाद भी इस घटना में कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। आज भी, यानी 14 दिन बीत गए, आज भी पुलिस के हाथ खाली। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगापुर सिटी में मूक बधिर नाबालिग को जिंदा जलाकर हत्या का यह पूरा मामला है, जिसपे सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं, अब उन्होंने ट्वीट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने एक गठित किया है एसआईटी टीम जो अब पूरी तरह से इसमें लग जाएगी और जितने भी लोग उसमें लिप्त थे उसको गिरफ्त में ले लिया जाएगा, जो इस भयावह खेल में लिप्त थे उनको इस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है और आज तो और ज्यादा दिन हो गए, अभी तक भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं। 11 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ प्रकरण अपने नई मंडी थाने का है, जिसमें कि बच्ची की मृत्यु भी हो गई जलने के बाद। और इसमें आज मैं विशेष तौर पे इस मुद्दे पे चर्चा करने और मौके को देखने के लिए आया था, तो सारे अधिकारियों से बैठ करके इसके अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसके सारे पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। आगे के अनुसंधान की क्या कार्ययोजना होनी चाहिए, कौन से बिंदु होने चाहिए, उसके ऊपर बात की गई है और मौके को भी देख करके समझने की कोशिश की गई। जो बच्ची थी उसकी उसके परिजनों से भी बातचीत की गई है, उनके भी जो दुश्चिंताएँ थी या जो उनकी बातें थी उनको सुना गया है। इन सारी बातों को देख करके इसके अनुसंधान को मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक विशेष जांच दल बनाए जाने की आवश्यकता है और उस विषय में आदेश प्रसारित आज ही कर दिया जाएगा और एक SIT का गठन करके इसकी गहन अनुसंधान किया जाएगा और इसके तहत लिया जाएगा। तो बहुत प्राथमिक स्तर पे इसकी जांच हुई है और जिसमें कि परिजनों के बयान हैं, बच्ची के बयान हैं और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी चीज़ें हैं। बट अब फर्दर इसमें जो भी पहलू निकल के सामने आ रहे हैं उन सभी के गहन जाँच के लिए थोड़ा समय लगेगा और तभी इस विषय में कोई निष्कर्ष बताने की स्थिति। जमीन से संबंधित कुछ बात ऐसी क्या